खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बस 32 दिन और बाकी चुनाव नतीजों में, और अब बात करेंगे यूपी की रामपुर लोकसभा सीट की। रामपुर लोकसभा सीट जो कि एक वीआईपी सीट है, यहां पर बीजेपी की जयप्रदा का मुकाबला एसपी के आजम खान से है। आजम खान और जयप्रदा के बीच पुरानी अदावत है और इस बार के चुनाव में तो इस दुश्मनी ने मर्यादा की सीमा भी लांघ दी है। आजम खान और जयप्रदा की लड़ाई में साथ देने के लिए जयप्रदा का परिवार रामपुर में उतर आया है। आजम खान के खिलाफ चुनावी लड़ाई में मां का साथ देने के लिए जयप्रदा के बेटे सम्राट भी मैदान में उतर आए हैं। सम्राट वैसे तो मुंबई में रहते हैं, लेकिन मां के प्रचार करने वो रामपुर में हैं। सम्राट घर घर जाकर लोगों से मां को जिताने के लिए वोट मांग रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं। जयप्रदा के बेटे सम्राट से खास बातचीत की है संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने। हमारे साथ सम्राट मौजूद हैं, जयप्रदा के बेटे हैं और प्यार से वो इन्हें चिंटू भी बुलाती हैं। तो हमने जब हम पहले दिन आपके साथ कैंपेन ट्रेल पे निकले थे, हमने देखा था जया जी बहुत कंसर्न थी इस चीज को लेकर कि आप गाड़ी में बैठे कि नहीं बैठे, आप साथ में हैं या नहीं है। और हमको जो जानकारी मिली, आप बहुत पहले से उनके साथ, जब से वो चुनाव लड़ती आ रही हैं, साथ में हैं। कैसा रहा उनके साथ, इस तरीके से आपने देखा, आप बहुत यंग हैं तो जब कैंपेन्स पर निकलते हैं और जिस तरीके का माहौल रामपुर में देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तो पहले तो मैं 2004 और 2009 में भी आया था यहाँ, तो तब तो ज्यादा बातें पता नहीं थी। मतलब पहले तो समाजवादी पार्टी में थी जब, तब साइकिल में घूमता था और सबसे बस वोट मांगता था, पता नहीं था, जो बोल दिया जाता था वही बोलता था मैं। बट देन अभी जब 2019 में एक नए पार्टी की तरफ से आए हैं और समझ में थोड़ी आती है मेरे को पॉलिटिक्स कैसे क्या लोग बोलते हैं, और जब निकलता हूँ कैंपेन में तो मेरे को लोग जो जहाँ 2009 में जितना प्यार देते थे उससे ज्यादा देते हैं, क्योंकि लोग इतना थक चुके हैं, जो नेता हैं यहाँ के उनसे इतने नाराज हैं कि जब उन्हें एक विकल्प मिल रहा है तो वो एकदम खुश हो गए। कि वो तो कहते थे कि हम तो दुआ मांग रहे थे कि जयप्रदा जी वापस आ जाएं, तो बहुत खुशी होती है, गर्व होता है कि मम्मी ने इतना विकास का काम किया है इसलिए लोग याद करते हैं। 2004 में भी आप उनके साथ रहे, 2009 में, तो ऐसे में आप यहाँ के लिए नया चेहरा नहीं है, लोग आपको पहचान जा रहे हैं। मतलब वो कह रहे थे ये तो छोटा सा था अभी बड़ा हो गया, मतलब वो तो है, बट इस बार मेरे को जो युवा मोर्चा की टीम है हमारी वो बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि युवा का जोश जो है वो सोशल मीडिया हो या चाहे कन्विंसिंग हो, युवा का बहुत मतलब एक ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो हमारे सोसाइटी में। तो इस बार मैं इसलिए मैं उतरा क्योंकि मैं मम्मी के साथ प्रचार करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो जो एरियाज कवर नहीं कर रही थी मैं चाह रहा था कि मैं वो करूँ, और जितना प्यार उनको मिल रहा है उतना ही मुझे मिल रहा है। कह रही है चलो जयप्रदा नहीं आया, जयप्रदा का बेटा आ गया, बहुत है हमारे लिए। तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और बहुत सीखने को मिल रहा है। मैं तो बहुत छोटी चीज समझता था राजनीति को, पर बहुत माइंड गेम्स खेला जाता है यहाँ लोगों के साथ। आपको आगे देखने वाले हैं राजनीति में? नहीं, मतलब अभी तो मैं अभी सपोर्ट करने आया हूँ मम्मी को, और मैं यही कॉन्सेंट्रेट करूंगा इस बार पे, मम्मी जीते यहाँ से। ये लड़ाई मैं आपको बताऊँ कि मम्मी की नहीं है, ये जितने लोग रामपुर में 5 साल से जो सह रहे हैं ये अन्याय को, उनकी है, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाते हैं लोग और मम्मी ने कभी वो किया ही नहीं है। उनका नारा हमेशा से बीजेपी में आने से पहले भी उनका सबका साथ सबका विकास ही रहा है। 4 और 9 के चुनाव में चूंकि आप साथ थे जया जी के, आपने वो भी देखा और अब आप 19 का भी देख रहे हैं, किस तरीके से लड़ाई बदली है, किस तरीके से माहौल बदला है, क्या तस्वीर अलग दिखाई दे रही है? इस बार मैं वही बता रहा था, जैसे पिछली बार एकजुट हो गई थी पूरी आवाम, रामपुर की आवाम एकजुट हो गई थी कि हमें जयप्रदा जी को ही जिताना है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे कई टिप्पणी उन्होंने की है मेरी मम्मी पर जिसकी वजह से लोग नाराज हुए, और उन्हें ये समझ में नहीं आता ये जितना मेरी मम्मी को बोलेंगे उतना ही प्यार आवाम दे रही है हमें। और पिछले 2 दिन में इन्होंने जितना बयान दिया है, जो बयान दिए हैं, मैं यही बोलूँगा कि एक अभिनेत्री से पहले, एक पॉलिटिशियन से पहले वो एक महिला है, और एक महिला की आप अगर इज्जत नहीं कर सकते हैं, आप रामपुर की आवाम की क्या इज्जत करोगे और आप क्या रक्षा करोगे उनकी। जयप्रदा के बेटे सम्राट को आप सुन रहे थे। रामपुर के शोले में अब अमर सिंह की भी एंट्री हो गई है। अमर सिंह अपनी बीमारी से ठीक होकर जयप्रदा के लिए रामपुर में वोट मांग रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं। आजम खान से अमर सिंह की पुरानी दुश्मनी है, इस दुश्मनी का जिक्र अमर सिंह अपने भाषण में भी कर रहे हैं। अमर सिंह से खास बात की संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने। जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया सोशल मीडिया पर उसमें बहुत दमखम था, किस तरीके से आजम खान को आप जो है सबक सिखाने वाले? देखिए ये लड़ाई ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव जीत और हार का नहीं है। ये चुनाव में अब ये राष्ट्रीय चुनाव हो गया है,
इस चुनाव में महिलाओं का अपमान करने वाले राक्षस जीतेंगे या हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता जीतेगी, इसके बीच में सैन का चुनाव है। अगर इस चुनाव में जयप्रदा जी हारती हैं तो नारी का सम्मान हारता है। और मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जितनी महिला नेत्री हैं, बंगाल की ममता हो या कश्मीर की महबूबा या दिल्ली की सोनिया जी और प्रियंका जी, अगर महिलाओं का अंतर्वस्त्र राजनीति का मुद्दा बनेगा हमारी माँ बहनों का, इससे बड़ी लज्जा और शर्म की बात नहीं। आपने कहा आप आईसीयू में थे, इस तरीके की अवस्था थी कि आपको लग रहा था आप नहीं बचेंगे, तो क्या आजम खान के प्रति आप नफरत जो है वो आपको यहाँ खींचे ले आए? नहीं, एक स्त्री के ऊपर जो हमला हुआ है, एक नारी के नारीत्व के ऊपर जो एक आक्रमण हुआ है, उस आक्रमण का प्रतिकार करने और अनावश्यक रूप से अस्पताल में जब मैं जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा था, रामपुर में दूर दूर तक मेरा संपर्क नहीं था, इसके बावजूद बार बार मेरा नाम लेना, तो हम क्षत्रिय हैं और हमारे पुरखों ने सिखाया है। राणा सांगा 90 घाव लेकर वो लड़ते रहे, महाराणा प्रताप घास की रोटी खा के लड़ते रहे, तो मैं बीमार नहीं हूँ, क्षत्रिय मार्शल कॉम है, हम जब तक जीवित हैं तब तक लड़ते हैं। आखिरी सवाल, माया और मुलायम आज एक साथ मंच पर आ गए हैं, क्या कहें? मैं तो ये कहूंगा कि मायावती भी इस रवैये का शिकार हो चुकी है गेस्ट हाउस कांड में, और मैं मायावती जी से पूछना चाहूंगा, इसे आजम खान ने कहा है कि बबुआ जवान हो गया है, गोद में बैठा लो बड़ा मजा आएगा, इसके बावजूद आजम खान का प्रचार करेंगी? और अखिलेश यादव ने पूरे परिवार को, हमको, शिवपाल को, मुलायम सिंह को, सबको खंडन मुंडन किया अंसारी बंधुओं के सवाल पर। बुआ और बबुआ के प्रत्याशी अंसारी बंधु है, और आजमगढ़ में डॉन मुख्तार का बेटा अखिलेश का प्रभार संभाला है, तो इसका मतलब डॉन का बहाना था, असली मतलब सत्ता हथियाना था, और बाप को शाहजहां बना के किले में बंद करना था और बेटों को औरंगजेब बन करके राज करना था। बहुत बहुत शुक्रिया अमर सिंह जी, जो कि आ चुके हैं रामपुर के रण में उतर चुके हैं। साफ तौर पर कहना है कि इस बार अगर जयप्रदा रामपुर से चुनाव हारी तो वो जयप्रदा नहीं हारेंगी, वो महिला का सम्मान हारेगा। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज रामपुर।